हेलो एवरीवन वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा और दोस्तों मैं हूँ पूजा फ्रेंड आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है बजट प्लान के ऊपर कि मैम मेरा मंथली जो इनकम है वो ट्वेल्व थाउजेंड है और मैं कितना बचत करूँ उसमें और अपना जो खर्चा है वो कैसे मैनेज करूँ मैं उन्होंने मुझे बताया कि मैं मंथली सिर्फ बारह हज़ार रुपये कमाता हूँ और बारह हज़ार रुपये में मेरा ग्यारह हज़ार रुपये खर्च हो जाता है तो मैं कितना उसमें बचाऊँ और कैसे मैनेज करूँ सो देखिए बचत करने का अपना अपना एक अलग नज़रिया होता है ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा बचत करती हूँ वैसा आप भी बचत करो जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ जितना खर्चा उतना आपके यहाँ भी खर्चा हो तो so, फ्रेंड कुछ लड़के जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और उनको घर वगैरह पे खर्चा नहीं देना पड़ता आई मीन्स अपने पेरेंट्स को और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल तो होते हैं बट उनको अपने पेरेंट्स को भी ख़र्चा देना पड़ता है आई मीन्स अगर वो दस हज़ार कमाते हैं तो उसमें से उनको पाँच हज़ार अपने घर पर देना पड़ता है पाँच अपने लिए रखना पड़ता है सो उसमें कैसे बचत करें ये उन लोग नहीं होता आप कितना कमाते हो बहुत सारे लोग लाख रुपए कमाते हैं महीने का बहुत दस लाख रुपए कमाते हैं और बहुत सारे लोग महीने का दस हजार रुपए भी कमाते हैं ये तो कहने कहने की बात होती है कि बचत करो अपने भविष्य की प्लानिंग करो बद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पैसे आई मीन उनका महीने का आठ से नौ हज़ार रुपये ही इनकम होता है बट वो बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से घर को मैनेज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और उसमें सेविंग भी कर लेते हैं आई मीन्स बाद में बच्चों की शादी वगैरह के लिए बहुत अच्छा खासा वो सेव कर लेते हैं तो ये डिपेंड करता है हमारी ज़रूरतों पर हमारी ज़रूरतें कितनी है और हमारी ख्वाहिशों पर सो so, फ्रेंड ज़रूरतें तो हर एक इंसान की पूरी हो जाती हैं बट जो ख्वाहिशें हैं वो किसी की पूरी नहीं होती हैं बिकॉज़ अगर हमारी एक इच्छा है कि हमें ये शॉपिंग करना है या फिर ये ड्रेस परचेज करना है जब हम वो ड्रेस परचेज़ कर लेते हैं तो हमें फिर हमारे जो ख्वाहिशें हमारी बंद नहीं होती फिर हमें अगला इच्छा हो जाती है कि भाई अब मैंने ये ड्रेस परचेज़ कर लिया इसके साथ मैचिंग का मुझे सैंडल लेना है इसके मैचिंग का मुझे एक्सेसरीज़ परचेज़ करना है मेरा जो काम है वो आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है चलना या फिर उस पर न चलना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है चलिए सो फ्रेंड ये जिसके लिए वीडियो है उनके लिए मैंने तैयार कर लिया उन्होंने बोला था कि मेरा मंथली जो इनकम है वो ट्वेल्व थाउजेंड का है और मैं सिर्फ ग्यारह हज़ार रुपये महीने में बचाता हूँ और मैं सिंगल हूँ आई मीन्स मैं मैरिड नहीं हूँ तो मैं आपको बताती हूँ मेरे तरीके से मैंने बहुत कोशिश की है सारे खर्चे को कवर करने के लिए अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा भी खर्चा करते हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँ सो फ्रेंड सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है ट्वेल्व मंथली बजट है ये टेन प्लस टू हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे जब हमारी सैलरी हमें मिलती है उसके बाद आप दो हज़ार का आर डी करवा सकते हो एफ डी भी करवा सकते हो और एफ डी मतलब फिक्स डिपोजिट होता है अगर आपको ये करवाना है तो आप मंथली मंथली पहले कुछ सेव कीजिए जब इकट्ठा हो जाता है तब आप उसे एफ डी करवाइए और उसके बाद आप मंथली सेविंग भी कर सकते हो या फिर सेविंग अकाउंट में भी दो हजार को डाल सकते हो बचता है आपका दस हज़ार रुपये तो आप सबसे पहले थाउजेंड रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए निकाल लो आई मीन्स पेट्रोल डीजल हो गया आपका या फिर अगर आप ऑटो वगैरह जाते हो तो मॉन निकल जाएगा ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि की आप अगर आपका ऑफिस पास में है तो आप पैदल भी जाने की कोशिश कीजिए वहाँ तक बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऊपर तो ये है वेजिटेबल्स और फ्रूट इसके अंदर आप ले लीजिए अगर आप सिंगल हो तो हज़ार रुपये अके लिए बहुत ज़्यादा है तब भी हज़ार रुपये वेजिटेबल्स और फ्रूट के लिए है तो आप दो दो सौ रुपये करके शॉपिंग कीजिए इसमें आई मीन्स आप पाँच सौ रुपये सब्जी और पांच रुपए फल के लिए भी से रख सकते हो बात करें करेंड रुपीज का की, तो ये है रेंट और ये दो हजार रुपए तक का ही रूम आप देखिए बिकॉज अगर आपकी इनकम दस हजार रुपए आप मान के चलिए अगर आपकी इनकम दस हजार रुपए है तो आप दो हजार रुपए तक का ही रेंट वाला रूम देखिए बिकॉज अगर आपकी इनकम ज्यादा है तभी आप बड़ा कमरा देखिए जरूरी नहीं कि आपका जो इनकम है वो दस हजार रुपए और आप कमरा पांच हजार रुपए का ले लेते हो तो पांच हजार रुपए में आपका बचा बाकी खर्च नहीं चल पाएगा तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें अगर आपका खुद का घर है तो आपके दो हजार रुपए सेव हो जाएंगे बात मैं नेक्स्ट की तो ये है ग्रॉसरी अगर आप सिंगल हो तो ग्रॉसरी आपकी दो हजार रुपए से ही कम में हो जाएगी आप इसमें बाहर खाना भी खा सकते हो बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो ये है थाउजेंड रुपए और ये मिल्क के लिए है मिल्क वैसे आप दूध ले सकते हो दही ले सकते हो बटर वगैरह हो गया आपका उसके बाद लस्सी वगैरह होगी या फिर अगर आपको नहीं दिल है तो आप बाहर इस पैसे से ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो कभी कभी बाहर आप सिंगल पर्सन का बाहर हंड्रेड रुपये या फिफ्टी रुपये का ब्रेकफास्ट हो जाता है और डेली आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है बाहर और अगर आप खुद से खाना बनाते हो थाउजेंड रुपये आप एलपीजी के लिए रख लीजिए मोबाइल रिचार्ज हो गया इसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई बिकॉज अगर आप सिंगल हो मैं मेरी फैमिली में सिर्फ हम तीन लोग हैं तब भी हमारा तीन महीने में सिलेंडर ख़त्म होता है वो भी अगर आप तीन पर मंथ मानिए नौ हो जाता है आपका तीन महीने का बट आज जो गैस का रेट है वो छः है हमारे इधर पर आई मीन्स एच में तो आपके यहाँ मुझे नहीं पता है कितने का है बट अगर आप हर महीने दो सौ रुपए इसमें निकाल देंगे तब भी आठ सौ रुपये आपके बचेंगे आठ सौ रुपए में से आप अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो आजकल थ्री नाइन्टी नाइन का पैक मिलता है या फिर फोर नाइन्टी नाइन का जो कि फ़िफ्टी फोर डे एट्टी फोर डे का होता है अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई तो हर महीने दो या तीन सौ रुपए ही आएगी अगर आप सिंगल हो तो घर में टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं यूज करते हो तो आप दो तीन सौ रुपये मान सकते हो उसके बाद आपका अगर आप टीवी चलाते हो या फिर केबल वगैरह है तो आप डेढ़ सौ रुपये केबल का दे सकते हो नहीं है तो आप नेट पैक भी करा सकते हो मोबाइल में जो दो ढाई सौ रुपये तक का पड़ जाएगा तो आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें और आपका जो बजट है उसे आप बना के चलोगे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा बात करूँ मैं ग्रॉसरी की तो आपकी ग्रॉसरी के लिए मैंने दो हज़ार रुपये यहाँ पर रखा है और दो हज़ार रुपये में आपको अच्छा खासा ग्रॉसरी मिल जाता है आई मीनस आप दस किलो आटा ले सकते हो और उसके बाद आप इसमें दस किलो चावल भी ले सकते हो और बात करूँ मैं आटे की अगर आप आशीर्वाद लेते हो तो आपको तीन सौ बीस या फिर तीन सौ पैंसठ तक का आ जाएगा वो या फिर आप पतंजलि लेते हो तब भी वो इसी के प्रॉक्स आएगा अगर आप कोई भी लोकल आटा लेते हो तो आपको बीस किलो का जो आटा है वो तो दो सौ बीस दो सौ पच्चीस तक आ जाएगा चावल की बात करूँ मैं चाहे आप Um. बासमती अगर जो होता है जैसे कि डेली यूजेज वाला अगर आप उसको दस किलो लेते हो तब भी अगर आप सिंगल हो तो आपका आराम से डेढ़ महीने चल जाएगा चावल ये आप दाल ले सकते हो चीनी ले सकते हो इसमें बाकी जो आपकी डेली नीडेड वाली ज़रूरतें होगी उसे आप पूरी कर सकते हो ग्रॉसरी में और ग्रॉसरी में ही आपका अपना जैसे कि साबुन सरफ़ शैम्पू हो गया आपका या फिर ऑयल्स वगैरह हो गया आपकी क्रीम वगैरह होगी अभी आप इसमें कर सकते हो बात करूँ मैं इस वाले जैसे कि ये जो थाउजेंड रुपये हैं हेल्थ फंड इमरजेंसी वाला इसमें से आप 500 अपने मतलब बीमार वगैरह हो होने के लिए बचा के रखिए बाकी जो 500 बचते हैं उसमें आप सेविंग वगैरह के लिए अपना रख लीजिए या फिर बाहर अगर सैलून वगैरह हो गया उसके लिए भी आप रख सकते हो पूरा टोटल करने के बाद आप देख सकते हो थाउजेंड 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 ये फाइव हो गया उसके बाद सेवन एट नाइन हो गया बाकी आपके थाउजेंड और बचते हैं एक्स्ट्रा और जो ये थाउजेंड बचते हैं आप इससे आउटिंग कर सकते हो या फिर आप बाहर खाना वगैरह खाने जा सकते हो मूवी वगैरह देख सकते हो आप इस थाउजेंड रुपीज़ में बाकी जो आपके थाउजेंड बचते हैं क्योंकि ये पूरा टेन थाउजेंड में आपको करना है कवर और जो आपके थाउजेंड रुपये बचते हैं आप इस थाउजेंड रुपीज़ में आप मूवी देख सकते हो या फिर अपने लिए क्लॉथ वगैरह परचेज़ कर सकते हो कुछ भी आप इस थाउजेंड रुपीज़ में कर सकते हो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नौ हज़ार रुपये पूरा टोटल आपका खर्चा हो गया है मेरी तरफ से जितना मैंने कवर किया है बाकी हज़ार रुपये आपका दस हज़ार में से ये बचता है बाकी दो या तीन हज़ार रुपये बच गए आपके हर महीने आप बीमार नहीं होते तो हजार रुपये आपका ये भी बच जाता है आप चार हजार रुपये हर महीने सेविंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से सो so फ्रेंड अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ इसमें मिस कर दिया है कवर नहीं किया है कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे और बजट प्लानिंग चाहिए आई मीन्स बहुत सारे लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं या फिर वो बाहर खाना ही खाते हैं या फिर वो टिफ़न लगा के रखे हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो डालने की कोशिश करूँगी आपका ऑफिस पास में है तो आप थोड़ा पैदल जाने की कोशिश करें जिससे आपके वॉकिंग भी हो जाएगी और अगर आपका ऑफिस थोड़ा दूर है तो आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको यूज करें जैसे कि टैक्सी और फिर ऑटो ले सकते हो आप या फिर बस से भी जा सकते हो ट्रेन से भी जा सकते हो जिससे कि आपका किराया भी थोड़ा कम लगेगा और आप पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट उसे यूज कर लोगे तो मेरी आज की वीडियो कि दस हज़ार रुपये में आप बचत भी कैसे कर लो और उसमें अपना घर का खर्चा भी कैसे चलाओ आप इसमें चार हज़ार रुपये बचा सकते हो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारे टॉपिक पे बात नहीं की है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा मैं किस टॉपिक पर बात करूँ और मैंने क्या छोड़ दिया है इसमें अमिंस करने क्या मिस कर दिया है फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक, तक के लिए बाय टेक केयर और हाँ अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हो और आप मुझे देखना पसंद करते हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लो जिससे टाइम टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर बाय बाय थैंक यू सो मच